खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होनी है। विधायकों को बैठक की सूचना दी जा रही है, कॉल कर दी जा रही है। विधायक दल की सूचना कल सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक और शाम 4:30 बजे तक जयपुर आएंगे अरुण सिंह, जो कि प्रदेश प्रभारी है। पर्यवेक्षकों को आने के बाद होगी अनौपचारिक चर्चा, विधायकों से हो सकता है 1-to-1 संवाद और लंच के बाद होगी विधायक दल की बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप कवायद या कयास जो लगाए जा रहे थे कि विधायक दल की बैठक कब होगी, पर्यवेक्षक कब आएंगे, उन सब पर लगाव लग गया है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक संभावित मानी जा रही है। अरुण सिंह भी पहुंचेंगे, विधायक से अनौपचारिक तौर पर 1-to-1 वार्ता होगी और लगभग विधायक दल की बैठक के बाद ही सीएम कौन होगा इसकी भी पुष्टि कर दी जाएगी। तो कौन होगा सरदार, ये कल मंगलवार को बताया जाएगा कि लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी और लगभग वही शाम को 5-6 बजे तक लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन संभालने जा रहा है 5 साल तक बीजेपी की तरफ से नेतृत्व। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जयपुर से, बड़ी खबर कि विधायक दल की बैठक कल होनी है। कल राजस्थान में नया सीएम कौन होगा इसका ऐलान लगभग कर दिया जाएगा, लेकिन लंच के बाद क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है, 1-to-1 वार्तालाप होगी, अरुण सिंह पहुंच चुके हैं, तो इन क्रम में पर्यवेक्षक आने के बाद ही अनौपचारिक चर्चा की जाएगी। उसमें जो भी वो निर्देश देंगे उसका हम सब लोग पालन करने वाले हैं। 1-to-1 बैठक होने वाली है, 1-to-1 बैठक होने वाली है, और क्या होगा पर्यवेक्षक आकर के बताएंगे, सुझाव लेंगे तो राय भी देंगे आप। पर्यवेक्षक जो आकर के बताएंगे उस अनुसार सारे एमएलए हम लोग एक्ट करने वाले हैं। 1 बजे तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल अभी आपने सुना भी 1 बजे लगभग कल पर्यवेक्षक की एंट्री हो जाएगी, पर्यवेक्षकों की एंट्री हो जाएगी। पर्यवेक्षक के तौर पर फिर से बता दें, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और उतारा गया पर्यवेक्षक के तौर पर, और कल जयपुर पर्यवेक्षकों की एंट्री होगी, यानी कि कल पर्यवेक्षकों के आने के बाद ही अनौपचारिक चर्चा की जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी। लंच के बाद यह बताया जा रहा है कि विधायक दल के साथ पर्यवेक्षकों की चर्चा की जा रही है और उसके बाद लगभग कल शाम 4 बजे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कमान संभालने जा रहा है सीएम का। कल सुबह 11 बजे से पहले तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे और उसी हिसाब से विधायकों को सूचना जा रही है। पहले वो आके अनौपचारिक रूप से सबसे मिलेंगे, फिर भोजन होगा, भोजन के बाद औपचारिक बैठक होगी विधायक दल की और उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई निर्णय और घोषणा हो जाएगी। ये सभी के साथ बैठक होगी या 1-to-1 चर्चा होगी? लंच से पहले 1-to-1 होगी और लंच के बाद सामूहिक औपचारिक बैठक होगी। यानी जो है वो सेंटर अपना फॉर्मूला लिफाफा लेकर आएगा और नाम का ऐलान हो जाएगा? अब वो तो लिफाफा लेके आएंगे कि लिफाफा यहाँ से लेके जाएंगे वो तो कल पता लगेगा। नहीं, शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं लगता मुझे, वो तो ठीक है औपचारिक सब मिलने, अनौपचारिक वार्ता मिलना जुलना, कर्सी कॉल, कर्सी विजिट कोई सामान्य बात। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ सीधे जयपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, कल का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण और अब तो संभावना भी नहीं रह चुकी है, क्योंकि कल बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक कल आएंगे जयपुर। सौरभ जी, बिल्कुल, देखिए तमाम विधायकों को सूचना जो है वो दे दी जा चुकी है और कल सुबह 11 बजे तक तीनों ही पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचने के साथ ही अनौपचारिक चर्चाएं होंगी, 1-to-1 चर्चाएं हो सकती है अनौपचारिक रूप से, और विधिवत जो बैठक होनी है विधायक दल की वो लंच बाद यानी 1 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो जाएगी। यानी इस वक्त ये जानकारी आई कि 1 बजे विधायक दल की बैठक जो है वो होगी, लेकिन तमाम विधायकों को सुबह आने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। 11 बजे तक जयपुर पहुंचने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। यहाँ पर 11 बजे ही तीनों ही पर्यवेक्षक भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। संभवतः शुरुआत में अनौपचारिक चर्चाएं जो है वो होंगी, तमाम विधायकों से, संगठन में बड़े नेताओं से मुलाकात जो है वो होगी और दोपहर 1 बजे विधिवत रूप से ये बैठक शुरू होगी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कल का दिन, क्योंकि कल जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि बैठक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है और कह सकते हैं कि
वो तमाम विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो दो दिन पहले तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जो है वो पहुंच रहे थे। यहाँ पर प्रताप सिंह भी कुछ देर पहले पहुंचे। आप जुड़े रहिए इसका।